10 मई 1857 मेरठ के 5 सिपाही मिलकर अपने 85 कैदी साथियों को जेल तोड़कर रिहा करवाते हैं और एक साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। जिस अंग्रेज ने भी उनके रास्ते में आने की कोशिश की उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। 11 मई 1857 को सारे सिपाही दिल्ली पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बंगाल रेजिमेंट के सिपाही ज्वाइन करते हैं। सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड सिविलियंस वहां से भागना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सिपाहियों ने मिलकर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया और इसी के साथ बहादुर शाह टू को इंपायर ऑफ इंडिया बना देते हैं। बट वेट अ मिनट, अगर 1857 में ही सब कुछ हो गया था, सिपाहियों ने दिल्ली से सबको भगा दिया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, ब्रिटिशर्स लोग डर कर भाग रहे थे, तो हमें तो ये पता है कि हमारे इंडिया को आज़ादी मिला 1947 में, यानी कि उसके 90 साल के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानी इतना सिंपल नहीं है। आइए इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को, यानी कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857, या फिर मैं यूँ कहूँ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के कहानी को पूरा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पूरे अच्छे से समझने के लिए हमें इसको 5 हिस्से में बांटना पड़ेगा। काउजेज ऑफ द रिवॉल्ट, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, किस तरीके से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और क्या क्या हुआ उसके दौरान। आफ्टर दैट हम लोग सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट समझेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को दबाया। एंड देन हम लोग समझेंगे काउजेज ऑफ फेलियर, यानी ये रिवॉल्ट आखिर फेल हुआ तो क्यों हुआ। एंड लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इस रिवॉल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये रिवॉल्ट हुआ क्यों, यानी कि क्या क्या काउजेस था इस रिवॉल्ट का। इसको समझने के लिए हमें 1857 से 100 साल पहले, यानी 1857 के जगह पे 1757 पे जाना पड़ेगा, जिस वक्त बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, बाय द वे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक कंपनी है जिसका काम क्या है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, जस्ट लाइक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तो ये जो है वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ता है 1757 में, और ये बैटल ऑफ प्लासी जीत जाता है। अब बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद जो एक नॉर्मल ट्रेड कंपनी होता है, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, अब उसके पास इंडिया का पॉलिटिकल पावर भी धीरे धीरे हाथ में आने लगता है। उसके बाद फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद में जो बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। ये बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे धीरे धीरे करके कब्जा किया है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा जहां पे आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया। ओके, तो 1757 से लेकर 1857 तक ऑलमोस्ट 100 साल हो चुका था जब ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडिया पे राज कर रहा था। ओके, इन 100 सालों में ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को बहुत ही डेंजर तरीके से इंपैक्ट किया, वो हर एक लेवल पे। पीजेंट्स को अपना लैंड गंवाना पड़ रहा था। क्यों लैंड गंवाना पड़ रहा था भाई? क्योंकि जो लैंड के ऊपर टैक्सेस था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, और जब वो लैंड का टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे तो फिर उनको अपना ज़मीन जो है वो क्या करना पड़ रहा था, दे देना पड़ रहा था जमींदार लोगों को। वहीं पर अगर क्राफ्टमैन के बारे में बात करें, यानी वो लोग जो कि अपने हाथों से सामान बनाकर इंडियन मार्केट में सेल कर रहे थे, वो लोग अब सेल नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे का कारण क्या था कि अब हमारे इंडियन मार्केट को फॉरेन गुड्स जो है वो कैप्चर कर चुका था। कारण क्या था कि क्राफ्टमैन जो के अपने हाथों से सामान बनाते थे उसका एक्सपेंस खर्च ज़्यादा होता था, जिसके कारण उसका प्राइस भी ज़्यादा होता था। वहीं पर अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश गुड्स का, वो मशीन से बनता था, बल्क में बन पाता था, तो इसीलिए उसका दाम जो है वो कम होता था। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रिलीजियस लेवल पे आप देखो तो सती को बैन कर दिया गया, विडो रीमैरिज अलाउ कर दिया गया। इसके अलावा जो आपका मुस्लिम्स के लिए मॉस्क है, बाकी लोगों के लिए टेंपल्स वगैरह है, उन सारे जो लैंड है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। और वहीं पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे थे वो भी अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हमारे देश से कुछ सामान को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ रहा था। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का प्रचार चारों तरफ कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस सारे लेवल पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया। और इन सारे बारूद के ढेर में जो चीज़ माचिस का तीली का काम करता है वो होता है कि न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नए तरीके का एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन होना। अब इस एनफील्ड राइफल को थोड़ा डिटेल में समझिए, तब जाकर आपको इस पूरे रिवॉल्ट के पीछे का कहानी अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे पहले जो राइफल यूज़ किया जाता था, राइफल मतलब आप समझ रहे हो गन, अब ऑब्वियस सी बात है आर्मी लोग हैं तो गन यूज़ करेंगे, वो जो गन पहले यूज़ किया जाता था उस गन में क्या होता था कि बुलेट अलग होता था और उसके अलावा गन पाउडर एक होता है वो अलग होता है। अभी भी जो आपके पास बुलेट्स वगैरह होता है जो गन में यूज़ किया जाता है उसमें सेम चीज़ होता है, गन पाउडर होता है और साथ ही साथ वो छोटा सा बुलेट होता है। अब गन पाउडर का क्या काम है कि गन पाउडर जब वो ब्लास्ट करेगा तो उसके कारण जो सामने में बुलेट उसका है वो जाकर स्पीड में बाहर निकलेगा, राइट।
तो पहले क्या होता था, अभी जो बुलेट मिलता है दोनों चीज एक साथ सील्ड होता है, बट पहले क्या होता था कि बुलेट में अलग होता था बुलेट के लिए कंटेनर एंड गन पाउडर का कंटेनर अलग रखा जाता था। अब जब आपको राइफल को जब आपको ये करना होता था, लोड करना होता था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले गन पाउडर को डालते थे थोड़ा सा और उसके ऊपर से हम लोग बुलेट डालते थे उसमें, एंड देन वो जो राइफल है वो तैयार होता था शूट करने के लिए। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, इसके लिए नए तरीके का इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई न्यू तरीके का एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया जाए। अब इसमें क्या हुआ था कि जो चीज़ पहले अलग अलग था, यानी कि गन पाउडर और जो बुलेट दोनों अलग अलग रखा गया था, इस बार दोनों को एक ही चीज़ में एक कागज़ के रैपर में क्या किया गया, रैप कर दिया गया, ठीक है, ताकि क्या हो कि एक तो गन पाउडर कितने अमाउंट में डालना है ये किसी को डिसाइड ना करना पड़े, वो कागज़ में ऑलरेडी फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, बस उसको भर देना है राइफल में। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि वो जो जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक रैपर में आपका बुलेट एज वेल एज गन पाउडर रैप किया हुआ था, उसको कार्टिजेस कहते हैं, वो कार्टिजेस को दांत से ऐसे नोच कर क्या करना पड़ता था, दांत से काट कर उसको खोलना पड़ता था, उसके बाद अंदर से पाउडर डालना है और फिर बुलेट डालना है। लेकिन अफवाह ये उड़ गया, र्यूमर्स ये फैल गया कि वो जो कार्टिजेस है उसका जो कवर है उसमें ग्रीस के लिए यूज़ किया गया है पिग एज वेल एज काऊ का फैट का इस्तेमाल किया गया। अब ये बात सिपाहीज को, यानी उन सिपाहियों को जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, इंडियन सिपाही थे लेकिन ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, ओके, जो कि मेजॉरिटी में थे उस वक्त, अगर आप आर्मी को देखोगे ब्रिटिश आर्मी को तो उसमें जितना आर्मी थे उसमें मेजॉरिटी में जो पीपल प्रेजेंट थे वो इंडियन पीपल थे, जिसको हम लोग सिपाहीज कहते हैं, ओके, तो सिपाहीज का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि ये बात सबको पता चला कि इसमें पिग एज वेल एज काऊ का फैट का यूज़ किया गया है, तो रिलीजियस लेवल पे सारे आर्मी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा सारे सिपाहीज को, तो इन लोगों ने यूज़ करने से मना कर दिया। अब कारण ये है कि देखिए मुस्लिम्स लोगों के लिए पिग जो है वो हराम है, एज वेल एज हिंदू लोगों के लिए क्या है कि गाय को पूजा जाता है, तो यहाँ पे ना ही हिंदूज लोग यूज़ कर सकते हैं उस कार्टिजेस को, ना ही मुस्लिम्स लोग यूज़ कर सकते हैं इस कार्टिजेस को, तो सारे इंडियन सिपाही ने मिलकर बोला कि भाई हमें ये कार्टिजेस को यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ उनको ये भी लगा कि ब्रिटिशर्स लोग हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया काउजेज ऑफ रिवॉल्ट, ये सारा कारण था जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ। अब बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट का, यानी ये रिवॉल्ट आखिरकार कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्या क्या इसके दौरान हुआ, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। फरवरी 1857 में बहरमपुर के 19th रेजिमेंट के सिपाहियों ने इस कार्टिजेस को यूज़ करने से इनकार कर दिया कि भाई हम ये कार्टिजेस को यूज़ नहीं करेंगे। जब उन लोगों ने इनकार किया तो बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उस पूरे के पूरे रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया। 29 मार्च 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही, जिनका नाम आज हम लोग पूरे देशवासी बहुत ही गर्व से लेते हैं, मंगल पांडे, उन्होंने इस कार्टिजेस को यूज़ करने से इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसी पैरेड ग्राउंड में अपने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर, यानी वो जो हायर कमांड थे उनसे ऊपर थे ब्रिटिश ऑफिसर, उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर दिया। उसके बाद मंगल पांडे खुद की जान लेने की कोशिश करते हैं और खुद को चेस्ट पे शूट करते हैं, लेकिन तुरंत ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां पे जो होते हैं सारे लोग आकर उनको वहां पे सेव करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और बचाते हैं ताकि उनको वो लोग अपने तरीके से सजा दे सके। कोर्ट में मंगल पांडे को फांसी का सजा सुना दिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और इस तरीके से मंगल पांडे हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इसके बाद अवध के 7th रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी इस कार्टिजेस को यूज करने से मना कर दिया, बदले में ब्रिटिशर्स ने उस पूरे रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया। देश के अलग अलग कोने में छोटा छोटा रिवॉल्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू हो गया। वहीं पर 24 अप्रैल 1857 में बंगाल नेटिव कैवेलरी के 90 में से 85 सिपाही जब कार्टिजेस को यूज करने से मना कर देते हैं तो उन 85 के 85 सिपाहियों को 10 साल के लिए जेल में डालने का सजा सुना दिया जाता है। अच्छा, एक और बात, मैंने अभी यहाँ पे इन्फेंट्री एंड कैवेलरी ये दो अलग अलग टर्म यूज़ किया, यानी पहले बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का यूज़ किया मैंने, बाद में बंगाल नेटिव कैवेलरी का यूज़ किया मैंने, इन दोनों का मतलब आप समझिए। इन्फेंट्री का मतलब देखो, जब आप एक सिपाही देखोगे, आपने बहुत सारा मूवीज़ वगैरह देखा होगा, उसमें कुछ सिपाही ऐसे होते हैं जो घोड़े पे रहते हैं, घोड़े पे रहकर लड़ते हैं, और कुछ सिपाही ऐसे होते हैं जो कि पैदल चलकर लड़ रहे होते हैं, राइट। तो जो पैदल चल रहे होते हैं बाई वॉक, उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट्री, उस ग्रुप को कहेंगे हम लोग, और जो घोड़सवार होते हैं, जो घोड़े पे फाइट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैवेलरी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 3rd रेजिमेंट ऑफ बंगाल का बात कर रहे थे जिसमें से 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया था, वो
कौन से ग्रुप के थे? वो कैवेलरी ग्रुप के थे, यानी वो जो के घोड़े पे सवार होकर लड़ाई करते हैं। 10 मई 1857 को, जिस दिन संडे होता है, बहुत सारे हायर ऑफिसर्स जो हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स वो सारे छुट्टी पे होते हैं। तो याद है आपको कि उस वक्त 90 में से 85 सिपाही ने इनकार किया था, 5 सिपाही जो है वो उनको जेल में नहीं डाला गया था। वो 5 मिलकर अपने 85 साथियों को छुड़ाने का प्लान करते हैं कि जेल तोड़कर हम लोग उन सबको वहां से निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लान सेम काम वो लोग करते हैं, जाते हैं जेल को तोड़ते हैं और अपने 85 कैदी सिपाहियों को वहां से छुड़वाते हैं, और छुड़वाने के बाद सारे लोग मिलकर दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं वहां से, जितने भी सारे सिपाही होते हैं। रास्ते में जितने भी ब्रिटिशर्स आते हैं, जो भी ऑफिसर्स आते हैं, सारे को वो लोग मार देते हैं और वहां से डायरेक्टली दिल्ली निकल जाते हैं। अगले दिन 11 मई 1857 को सारे सिपाही दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां पे और भी सिपाही उनको ज्वाइन करते हैं। सारे लोग मिलकर उस वक्त के मुगल इम्परर, जो कि सिर्फ नाम के इम्परर रह गए थे, बहादुर शाह टू, उनका एज ऑलमोस्ट 82 हो गया था और जस्ट वो ब्रिटिश के इशारे पे चल रहे थे, क्या करना है नहीं करना है, जस्ट काम के लिए नहीं, नाम के लिए वहां पे वो इम्परर ऑफ इंडिया बने हुए थे, राइट। तो सारे सिपाहियों ने मिलकर चाहा कि ये जो हम लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, इसको कोई एक चेहरा तो देना पड़ेगा, कोई एक लीडरशिप तो देना पड़ेगा। तो सारे लोगों ने मिलकर बहादुर शाह टू को कन्विंस किया कि आप हमारे इस रिवॉल्ट का चेहरा बने। बहादुर शाह टू नहीं मान रहे थे, बट फिर भी अनविलिंगली उन्हें इम्परर ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इस तरीके से पूरा दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया और बहादुर शाह टू को इम्परर ऑफ इंडिया बना दिया गया। और हाँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई कॉन्सेप्ट एरा। कॉन्सेप्ट एरा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि WBSC बोर्ड के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है, ताकि WBSC बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट हो उसको क्वालिटी एडुकेशन मिल पाए, चाहे फिर वो कहीं भी रह रहा हो, कोई बैकवर्ड इलाका है, वहाँ पे अच्छे टीचर नहीं है या फिर वहाँ पे अच्छा कोचिंग नहीं है, बट स्टिल उन्हें अच्छा क्वालिटी एडुकेशन मिल पाए, ताकि वो भी अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके अच्छे से। कॉन्सेप्टर ने इसके लिए WBSC बोर्ड के लिए स्पेसिफिक ऐप डेवलप किया है, जिसमें हजारों बच्चे पिछले साल भी माध्यमिक के लिए प्रिपरेशन करके गए हैं और इस साल भी हजारों बच्चे माध्यमिक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस ऐप में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स विद सॉल्यूशन एज वेल एज हजारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, इसके अलावा चैप्टर वाइज कोर्सेस अवेलेबल है, जिस कोर्सेस में एक एवरेज बच्चे को भी अच्छे से समझ आ जाए वैसा वीडियो मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ उसका नोट्स एज वेल एज जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें लगता है कि माध्यमिक में पूछा जा सकता है, उसके लिए अलग से PDF, और आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट, साथ ही साथ अगर आपको इन सब के बावजूद भी कोई ऐसा टॉपिक है जो छूट जाता है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बच जाता है, तो आप पर्सनल तरीके से अपने टीचर से, भैया लोग से लाइव चैट कर सकते हैं ऐप में ही। ये सारा कुछ आपको फैसिलिटी ऐप में मिल जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये बोलूं तो अगर कोई बच्चा जो माध्यमिक के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके फ़ोन में ये ऐप होना एक तरीके से आप समझ लो कंपलसरी है। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जाएं जाकर ऐप को डाउनलोड करें और अपने जो प्रिपरेशन चल रहा है माध्यमिक का उसको और अच्छे से कर पाएं। साथ ही अगर कोई भी पहला कोर्स आप ज्वाइन करते हैं कॉन्सेप्ट एरा पे, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, जिससे कि आपको डायरेक्टली 50% एक्स्ट्रा ऑफ मिल पाए अपने पहले कोर्स को ज्वाइन करने पे। ओके, तो जाएं जाकर ऐप को आप डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कोड का इस्तेमाल करके अपने पहले कोर्स में 50% का डिस्काउंट लें और साथ ही साथ माध्यमिक के प्रिपरेशन को और बेहतर आप कर सकें। लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट के दौरान बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होता है, हजारों के तादाद में ब्रिटिशर्स मारे जाते हैं, लाखों के तादाद में इंडियंस मारे जाते हैं। एक डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जिस वक्त ये रिवॉल्ट हो रहा था उस वक्त ऑलमोस्ट आपका 40,000 ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रह रहे थे, उनमें से 6,000 ब्रिटिशर्स जो है वो इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट के दौरान मारे जाते हैं, फिर वो चाहे ऑफिसर्स हो या बच्चे हो या फिर वुमेन हो, सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 6,000 लोगों को मार दिया जाता है उस दौरान। तो ये सारा कुछ हमने समझा कि रिवॉल्ट कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और सारे डिटेल्स को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इसके आगे का, यानी किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को दबाया और कैसे ब्रिटिशर्स ने वापस इस तरीके से सारा कुछ को कैप्चर किया कि वापस हमें आज़ाद होने में लगभग 90 साल लग गए। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ब्रिटिशर्स ने सारे चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, एज वेल एज जो रेबल्स ने उनके साथ किया था उसका बदला लेने के लिए, सारे हदों को पार कर देते हैं। लाखों की तादाद में इंडियंस को मार दिया जाता है, फिर बहुत सारे को फांसी लगा दिया जाता है, उसके अलावा अलग अलग तरीके का पनिशमेंट जितना पॉसिबल हो सकता है, ताकि लोगों के अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो फिर सोच लो कितना बुरा अंजाम होने वाला है। बहुत सारे लोगों को तोप के सामने रखकर उड़ा दिया गया, बहुत सारे लोगों के आँख में मिर्च का पाउडर वगैरह डाल दिया गया, और साथ ही साथ वुमेन सेक्सुअल वायलेंस भी किया गया। तो जितना हद तक जाया जा सकता था
सारे हदों को पार कर दिया गया ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाए और आगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सके। 1857 के आखिर तक ब्रिटिशर्स के हाथ में ऑलमोस्ट सारा कंट्रोल आ जाता है और 1858 में ब्रिटिशर्स जो है वो लखनऊ को वापिस से कैप्चर कर लेते हैं। 8 जुलाई 1858 को पीस ट्रीटी साइन होता है और इसी के साथ रिबिलियन जो है उसका एंड हो जाता है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से दबा दिया जाता है। बहादुर शाह टू को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके उनको देश से बाहर फेंक देते हैं रंगून में, जहां पे 1862 में उनका डेथ हो जाता है और इसी के साथ मुगल डायनेस्टी का कंप्लीट तरीके से एंड हो जाता है और इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल वापस से एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन 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 भाई, आपने ये बताया कि जिस वक्त ये रिवॉल्ट वगैरह हो रहा था उस वक्त ऑलमोस्ट 40,000 ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, राइट, जिनमें से 6,000 को मार दिया गया था, लेकिन हमारे देश का आबादी तो बहुत ज़्यादा था। और आपने ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि इंडिया जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे वो हमारे इंडियन सिपाही थे। तो फिर आखिरकार ये रिवॉल्ट फेल कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा समझाइए। तो फेलियर के पीछे देखो बहुत सारा कारण है, कौन कौन सा कारण हो सकता है थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि जहाँ जहाँ भी रिवॉल्ट हुआ वहाँ पे जो लीडर्स है वो अपने तरीके से रिवॉल्ट कर रहे थे, कोई एक बड़ा चेहरा नहीं था जो सारे चीज़ों को लीड करे, सारे को एक साथ बांध कर गाइड करे कि अब आगे क्या स्टेप लेना है नहीं लेना, सब अपने अपने तरीके से रिवॉल्ट कर रहे थे, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि ऐसा नहीं कि सारे सिपाही जो कि हमारे इंडियन थे वो सब मिलकर रिवॉल्ट कर रहे थे, नहीं, बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जो कि ब्रिटिश आर्मी के लॉयल थे और साथ ही साथ उनका साथ दिए, और अगर साथ नहीं भी दिए तो खामोश होकर बैठ कर रहे हैं, ना ही वो रिवॉल्ट में साथ दिए ना ही वो ब्रिटिशर्स का साथ दिए, वो चुपचाप बैठे रहे। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा आर्मी भी नहीं इकट्ठा था, आर्मी में भी कुछ कुछ ऐसे थे जो कि इस रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एक और कारण अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ नॉर्थ पार्ट इंडिया का, नॉर्थ में कुछ ऐसा सा पार्ट था जो कि इस रिवॉल्ट में इन्वॉल्व था, ओके। उसके अलावा अगर आप नीचे चले जाओ यानी साउथ वाले पोर्शन में, बंगाल साइड में चले जाओ, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों ने इस रिवॉल्ट को रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये वो सारा कारण था जिसके कारण ये रिवॉल्ट जो है वो फेल हो गया। बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इसका पड़ा वो पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे, यानी अब तक जो इंडिया को गवर्न किया जा रहा था वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रहा था, यानी कि एक तरीके का कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कंट्री को क्या कर रहा है, पॉलिटिकली हैंडल कर रहा है, पॉलिटिकली उसको मतलब मैनेज कर रहा है कि क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए, ठीक है। 2 अगस्त 1858 में एक एक्ट पास होता है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी एक्ट के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर था वो सारा का सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। 1 नवंबर 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन अनाउंस होता है और इस प्रोक्लेमेशन के साथ क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का पावर अपने हाथ में ले लेती हैं। इस प्रोक्लेमेशन के साथ साथ दो तीन चीज़ और भी जुड़ा हुआ है। क्वीन विक्टोरिया ये अनाउंस करती है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी इरादा नहीं है अपने टेरिटरी को और बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का, साथ ही कोई भी रिलीजियस मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट अब दखल नहीं देगा, यानी इंडियन का जो भी रिलीजियस मामला है वो आपस में ये लोग समझेंगे, हम लोग इसमें दखल नहीं देंगे। इसी के साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसके साथ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जुड़ गया, यानी जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको अब वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो पहले उस वक्त के वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस वक्त, उनको वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इसके बाद फिर आपको आगे का कहानी शायद थोड़ा बहुत पता हो, और आगे अगर क्लासेस में और हम लोग आया ऐसा कुछ जैसे कि आगे शायद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वगैरह भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो इसके बाद का क्या कहानी हुआ वो हम लोग आराम से वहाँ पे समझेंगे, ओके। तो ये था पूरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 का हिस्ट्री। आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगे कि हो सकता है बन सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, एज वेल एज मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, भैया ये वीडियो बहुत अच्छा था, भैया ये वीडियो में ये कमी था, जो भी हो आप कमेंट में बताएं ताकि हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाएं। और हाँ, कॉन्सेप्ट एरा ऐप आप डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाएं जाकर कोई भी पहला कोर्स आप ज्वाइन करें, कोड आपको पता है, इस कोड को यूज़ कीजिए, 50% आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा पहले कोर्स पे। साथ ही इस बात का गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके बाद इंप्रूवमेंट तो भाई आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो जाएं जाकर आप ऐप को डाउनलोड करें। इसी के साथ आपके सकलैन भैया मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, थैंक यू।